हेलो एवरीवन, वेलकम टू गोल्डीज टेस्टफुल किचन। और आज हम लाए हैं क्या आपके लिए एक स्पेशल सी दाल। ये देखिए, ये मैंने तुअर दाल ली है हाफ कप, और ये धुली मूंग दाल है, ये 1/4 कप से मैंने थोड़ा सा कम ली है। दोनों दालों को बहुत अच्छे से धो लिया है और ये मैंने ऐसे मिक्स करके इनको रख लिया है, भिगाना नहीं है। 3-4 बार पानी निकाल के आपको बहुत अच्छे से इसको धोना है। और कोई भी दाल आप कहीं से खरीदते हैं तो मेरा ये आपको एक राय होगी कि आप उसको जरूर चेक कीजिए, क्योंकि बाय मिस्टेक अगर कुछ भी कोई पिन है या कोई ऐसा वो डल गया है तो वो आप इम्प्योरिटीज को निकाल सकें। ये मैं किचन किंग यूज कर रही हूँ और ये मैंने कश्मीरी रेड चिली लिया है कलर के लिए। ये मैंने 1/2 टीस्पून जीरा लिया है, 1/2 टीस्पून राई लिया है, 1 प्याज को हमने बारीक काट लिया है, साथ में मैंने 1 हरी मिर्च को भी काट लिया है, 2 टमाटर को मैंने बारीक काट लिया है, लहसुन मैंने 3 से 4 कली ली हैं, 3 से 4 क्लव्स जो आती हैं लहसुन की उनको बारीक काट लिया है, 1 चम्मच अदरक ग्रेटेड है, हींग हम यूज करने वाले हैं। और ट्विस्ट क्या है कि इस दाल में हम थोड़ा सा शुगर यूज करने वाले हैं, 1 टीस्पून, थोड़ा सा कम, 1 टीस्पून से शुगर यूज करने वाले हैं। और ये धनिया पाउडर है, हल्दी है, देसी घी में हम बनाने वाले हैं, और सॉल्ट एज पर टेस्ट है, कुछ करी लीव्स हैं, बाकी जो भी मैं ऐड करूंगी आपको टाइम पे बताती जाऊंगी। तो आइए शुरू करते हैं ये यमी सी टेस्टी सी लगने वाली दाल। तो हमने कुकर को गैस पे चढ़ा दिया है और ये जो धुली हुई साफ दाल है इसको हम कुकर में डाल लेंगे। और इस दाल में मैं 3 कप पानी डाल रही हूँ, 3 कप पानी हमने इसमें डाल दिया है। अब मैं इसमें 1/2 टीस्पून हल्दी डाल रही हूँ, सॉल्ट, नमक जो है अपने स्वाद के अनुसार आप डालिए। और इसी समय बॉईल करते हुए हम इसमें डाल रहे हैं चीनी, शुगर 1 टीस्पून, दाल को अच्छे से मिक्स करेंगे और कुकर का ढक्कन बंद करेंगे। 2 व्हिसल आने तक हम इसको मीडियम फ्लेम पर रहने देंगे और फिर प्रेशर जो है कुकर का वो अपने आप ठंडा होने देंगे। जब तक हमारी दाल बन रही है, ये हमने 1 टेबलस्पून इसमें पैन में घी डाल लिया है, घी गर्म हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे जीरा और राई और इसको तड़कने देंगे। मीडियम फ्लेम पर आप कीजिए, जब भी छौंक बनाएं तो स्लो टू मीडियम फ्लेम पर बनाएं। इसके साथ ही हम डालेंगे इसमें ये कटा हुआ प्याज और हरी मिर्च, और इसके साथ साथ हम डाल देंगे ये अदरक और लहसुन कटा हुआ। देखिए, कई बार आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखते हैं कि या तो इंग्लिश में बोलो या फिर हिंदी में बोलो, क्या खिचड़ी पकी है, तो मुझे नहीं लगता कि मैं इंग्लिश में बात करती हूँ। हाँ, जो कुछ चीजें हैं जैसे प्याज को अनियन निकल गया मुंह से क्योंकि डेली में हम यूज करते हैं, तो मैं कोशिश करूंगी आपसे पूरा हिंदी में बात करने की। तो ये लहसुन, ये प्याज, अदरक, हरी मिर्च हम ये डाल चुके हैं और इसको हम हल्का ब्राउन होने तक पकाएंगे। और ये डालेंगे हम 1 पिंच इसमें हींग और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। हींग की खुशबू दाल में बहुत अच्छी आती है। फिर आप लोग क्वेश्चन करते हैं कि देसी घी में नहीं तेल में बना सकते हैं क्या इसमें, तो दाल जो है देसी घी में टेस्टी लगती है, बट अगर आप हम अपने यहाँ दाल जो है वो तेल में बनाते हैं तो श्योर आप कर सकते हैं। और गार्लिक आप यूज नहीं करते तो ये दाल आप बिना गार्लिक के भी बना सकते हैं। प्याज भुनना शुरू हो गया है, अब हम इसमें डालेंगे कश्मीरी रेड चिली पाउडर 1 टीस्पून, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, थोड़ा सा नमक, क्योंकि नमक हमने दाल में भी डाला है तो ये आप जरूर ध्यान रखिएगा। और गैस को बिल्कुल धीमा कर देंगे ताकि हमारे जो मसाले हैं वो जले नहीं। ये देखिए कितना बढ़िया ये भुना हुआ मसाला लग रहा है। और जो मैं दाल में डाल रही हूँ जिससे दाल टेस्टी लगती है वो है किचन किंग। तो 1 टीस्पून ये किचन किंग मैं इसमें डाल रही हूँ, बहुत टेस्टी लगती है इससे दाल।
ये अब अच्छी सी खुशबू आनी शुरू हो गई है। बस एक मिनट के लिए हमें मसाले भूनने हैं और टमाटर डाल देंगे। एक विसल कुकर में आ गई है, अब इनको हम मिक्स करेंगे। और टमाटोज को आप ढककर पका सकते हैं क्योंकि हमें इनको सॉफ्ट करना है। बिल्कुल टमाटर जब पक जाए, अच्छे से सॉफ्ट हो जाए, तो समझिए हमारा मसाला जो है वो तैयार। देखिए ये सॉफ्ट होना शुरू हो गया है। अगर आपके टोमेटो ज्यादा सख्त हैं, पानी वाले नहीं हैं, रसा उसमें कम है, तो आप एक टेबल स्पून पानी डालिए और इसको ढककर पकाइए। अभी भी हमें इसको और पकाना है। देखिए तो इसी आप रेसिपी को बनाएंगे तो बहुत टेस्टी बनेगी। और ये रेसिपी मैंने अपनी फ्रेंड के यहाँ खाई। जब हम नॉर्थ इंडियन की सुनते हैं ना कि दाल में चीनी या किसी सब्जी में चीनी, तो हमें पहले से लगता है अरे नहीं, ये हम नहीं खा सकते। बट लिटरली मुझे पूछना पड़ा कि आपने ये दाल कैसे बनाई है, तो मुझे लगा मैं अपने व्यूअर्स से भी ये शेयर करती हूँ। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फैमिली फ्रेंड्स में। सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए, तभी मेरी लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंचेंगी। आपका सपोर्ट मुझे आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देता है। थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। अब हम चेक कर लेते हैं। ये देखिए अच्छे से जो है मसाला वो है भुन गया है और टोमेटो सॉफ्ट हो गए हैं। तो अब हम दाल चेक करते हैं। दो विसल आ गई है, कुकर अपने आप ठंडा हो गया है। चेक कर लेते हैं दाल को और ये देखिए बहुत बढ़िया, बिल्कुल परफेक्ट है दाल का पानी और दाल। अब इसी के अंदर हम डालेंगे ये अपना मसाला, भुना हुआ मसाला। इसको सारा मिक्स कर देंगे। बहुत टेस्टी ये दाल लगेगी, आप बनाकर जरूर देखेगा। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। देखिए कितना अच्छा कलर आया है। और एक मिनट के लिए हम इसको ढककर पकाएंगे। वैसे जरूरत नहीं है, आपको मैं दिखाती हूं। ये दाल थोड़ी गाढ़ी बनती है, बाकी पानी आप इस समय भी बॉइल पानी करके डाल सकते हैं। ये देखिए कितने अच्छे से मिक्स हो गई है। अगर आपका प्रेशर कुकर में गलता नहीं है तो एक सीटी और लगा लीजिए, हमें कुछ कंसिस्टेंसी जो है इस तरह की चाहिए। अब मैं एक मिनट इसको रख के पकाऊंगी और फिर इसकी प्लेटिंग करती हूँ। ये देखिए एक से दो मिनट पकते हुए हो गया है, बस ये सफिशियंट है। इसमें मैं डाल रही हूँ 1/2 टीस्पून गरम मसाला और 2-3 पिंच अमचूर पाउडर। आप चाहें तो इसमें ठंडा होने के बाद आप इसको नींबू का रस भी डाल सकते हैं, लेमन डाल सकते हैं। ये देखिए ऐसे हम मिक्स करेंगे, इसकी प्लेटिंग करेंगे और ऊपर से एक छोटा सा तड़का लगाएंगे। ये हमने ले लिया है तड़के के लिए घी ऊपर से लगाने के लिए। इसमें डाल रहे हैं हम कुछ करी लीव्स। अब हम इसमें ये दो हरी मिर्च डाल देंगे, ऑप्शनल है, आप सूखी लाल मिर्च डाल सकते हैं। 1/4 टीस्पून हम इसमें राई डालेंगे, इसको हल्का सा तड़कने देंगे। और गैस को ऑफ कर देंगे। अब हम डालेंगे इसमें थोड़ी सी रेड चिली कलर के लिए कश्मीरी रेड चिली और इस तड़के को हम लगाते हैं अपनी दाल में। तो ये है दाल और इसके अंदर जाएगा हमारा ये तड़का, ये देखिए। और मैं यहाँ दाल भी आपको दिखाऊं, देखिए कितनी बढ़िया बनी है, मिक्स है एकदम, बहुत अच्छे से मिक्स हो गई है। रखे रखे भी दाल गाढ़ी होती है, तो आप उसमें बाद में भी आप पानी मिला सकते हैं, बट पानी को आप गर्म करके मिलाइए, बॉइल करके। ये देखिए कितनी बढ़िया दाल बन के अच्छी तैयार हुई है। आशा करती हूँ कि आप जरूर इसको पसंद करेंगे और बनाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई रेसिपी।